पर एक बुजुर्ग ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। वह हर एकादशी का व्रत करता था। उसे दूध दही केला छाछ जो भी मिल जाता था उसे ही खाकर व्रत खोल लेता था। एक दिन उसके बहू की माँ घर आई हुई थी कि माँ ने देखा कि उसकी बेटी बार बार अपने ससुर को चाय बना बना के दे रही है, तो उसने अपने बेटी के कान भर दिए और कहा कि तू एकादशी पर अपने ससुर को चाय दूध केला देना बंद कर दे, अपने आप एकादशी का व्रत करना छोड़ देंगे। जब दोबारा एकादशी आई तो बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी मैं आपको अब चाय दूध दही कुछ भी नहीं दूंगी, या तो आप व्रत करना छोड़ दीजिए या एकादशी का पुण्य बेच दीजिए ताकि घर में दो पैसे ही आए। दुखी होकर ब्राह्मण एकादशी का पुण्य बेचने के लिए राजा के पास चला गया। राजा ने उसके एकादशी का पुण्य राजू के एक पलड़े में और खुद के धन दौलत और जेवरात को दूसरे पलड़े में रखा, लेकिन फिर भी एकादशी के पुण्य वाला पलड़ा धस से मस नहीं हुआ। इस चमत्कार को देखने के लिए पूरी प्रजा मंत्री एकत्रित हो गए। जब बेटा बहू को पता लगा तो वे भी वहां पहुंच गए। बहू ने अपने ससुर के पांव पकड़कर माफी मांगी और बोली कि पिताजी हमें एकादशी का पुण्य नहीं बेचना।